अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हिंदी में ऑफिस कार्यालय, ऑफिस कार्यालय को अरबी में कहा जाता है मखतब। ऑफिस कार्यालय को अरबी में कहा जाता है मखतब। किचन रसोई, किचन रसोई को अरबी में कहा जाता है मतबख। किचन रसोई को अरबी में कहा जाता है मतबख। तोड़ना या तो फिर टूटना, तोड़ना टूटना को अरबी में कहा जाता है कसर। तोड़ना टूटना को अरबी में कहा जाता है कसर। लकड़ी, लकड़ी को अरबी में कहा जाता है खसब। लकड़ी, लकड़ी को अरबी में कहा जाता है खसब। पेड़, पेड़ को अरबी में कहा जाता है सजर। पेड़, पेड़ को अरबी में कहा जाता है सजर। शीशा, शीशा को अरबी में कहा जाता है गिजाज। शीशा, शीशा को अरबी में कहा जाता है गिजाज। आईना, आईना मिरर, आईना मिरर को अरबी में कहा जाता है मिराया। आईना मिरर, आईना मिरर को अरबी में कहा जाता है मिराया। मिट्टी, मिट्टी को अरबी में कहा जाता है तुराब। मिट्टी, मिट्टी को अरबी में कहा जाता है तुराब। रेत बालू, रेत बालू को अरबी में कहा जाता है रमल। रेत बालू को अरबी में कहा जाता है रमल। धूल, धूल को अरबी में कहा जाता है गुब्बार। धूल, धूल को अरबी में कहा जाता है गुब्बार। हवा, हवा को अरबी में हवा कहा जाता है। हवा, हवा को अरबी में हवा ही कहा जाता है। बारिश, बारिश को अरबी में कहते हैं मत्तर। बारिश, बारिश को अरबी में कहते हैं मत्तर। बिजली, बिजली को अरबी में कहते हैं कहरबा। बिजली, बिजली को अरबी में कहते हैं कहरबा। रोशनी, रोशनी को अरबी में कहते हैं नूर। रोशनी, रोशनी को अरबी में कहते हैं नूर। बल्ब, बल्ब को अरबी में कहते हैं उलम्बा। बल्ब, बल्ब को अरबी में कहते हैं उलम्बा। हीटर, हीटर को अरबी में कहते हैं सखान। हीटर, हीटर को अरबी में कहते हैं सखान। पानी का हीटर, पानी का हीटर को अरबी में कहते हैं मोया सखान। मोया सखान, पानी का मतलब मोया, हीटर का मतलब सखान। पानी का हीटर, पानी का हीटर को अरबी में कहते हैं मोया सखान। मशीन, मशीन को अरबी में कहते हैं मकीना। मशीन, मशीन को अरबी में कहते हैं मकीना। सिलाई मशीन, सिलाई मशीन को अरबी में कहते हैं मकीना खयात। मकीना खयात, सिलाई मशीन को अरबी में कहते हैं मकीना खयात। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन को अरबी में कहते हैं मकीना सर्राफ। मकीना सर्राफ, एटीएम मशीन को अरबी में कहते हैं मकीना सर्राफ। खेल खेलना, खेल खेलना को अरबी में कहते हैं एलाब। खेल खेलना को अरबी में कहते हैं एलाब। फुटबॉल, फुटबॉल को अरबी में कहते हैं कोरा। फुटबॉल को अरबी में कहते हैं कोरा। दीवार, दीवार को अरबी में कहते हैं जिदार। दीवार, दीवार को अरबी में कहते हैं जिदार। छत, छत को अरबी में कहते हैं सतह। छत, छत को अरबी में कहते हैं सतह। स्टोर रूम, स्टोर रूम को अरबी में कहते हैं मुस्तौदा। स्टोर रूम को अरबी में कहते हैं मुस्तौदा। खिड़की, खिड़की को अरबी में कहते हैं द्रीसा और सब्बाक। द्रीसा और सब्बाक, खिड़की को अरबी में कहते हैं द्रीसा। आप द्रीसा भी कह सकते हैं और सब्बाक भी कह सकते हैं। खिड़की को द्रीसा और सब्बाक। पर्दा, पर्दा को अरबी में कहते हैं सितारा। पर्दा, पर्दा को अरबी में कहते हैं सितारा। लोकेशन, लोकेशन को अरबी में कहते हैं मौका। लोकेशन, लोकेशन को अरबी में कहते हैं मौका। ऑफर, ऑफर को अरबी में कहते हैं उरूद। ऑफर,
ऑफर को अरबी में कहते हैं उरूद, डिस्काउंट, डिस्काउंट को अरबी में कहते हैं खसम, खसम, डिस्काउंट को अरबी में कहते हैं खसम, या तो फिर तख़फ़ीद, तख़फ़ीद, डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं, तख़फ़ीद कहते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर को अरबी में कहते हैं तलब, ऑर्डर, ऑर्डर को अरबी में कहते हैं तलब। डिलीवरी, डिलीवरी को अरबी में कहते हैं तौसील, डिलीवरी को अरबी में कहते हैं तौसील। सवाल, सवाल को अरबी में कहते हैं सवाल, सवाल को अरबी में कहते हैं सवाल। जैसे कि मैं बस सवाल कर रहा हूँ, अगर आपको कहना है मैं बस सवाल कर रहा हूँ, आप अरबी में कहेंगे एना बस सवाल, एना बस सवाल, मैं बस सवाल कर रहा हूँ, एना बस सवाल। मैं का मतलब एना, बस, हम कहते हैं बस, अरबी में भी बस कहा जाता है। सवाल, सवाल का मतलब सवाल, कर रहा हूँ, मैं बस सवाल कर रहा हूँ, एना बस सवाल, एना बस सवाल। सवाल करो, सवाल करो, अरबी में कहते हैं सवी सवाल, सवी सवाल, सवाल करो, सवी सवाल। बेल घंटी, बेल घंटी को अरबी में कहते हैं जरस, बेल घंटी को अरबी में कहते हैं जरस। बेल मारो, बेल दबाओ, हम कहते हैं ना बेल मारो, बेल दबाओ, अरबी में कहते हैं तक झरस, तक झरस। बेल मारो, बेल दबाओ, तक झरस, कहेंगे अरबी में तक झरस, बेल मारो, बेल दबाओ, तक झरस। बाजार, मार्केट, बाजार, मार्केट को अरबी में कहा जाता है सुख, बाजार, मार्केट को अरबी में कहा जाता है सुख। जानवर, जानवर को अरबी में कहा जाता है हैवान, जानवर, जानवर को अरबी में कहा जाता है हैवान। बिल्ली, बिल्ली को अरबी में कहते हैं बिस्सा, बिल्ली, बिल्ली को अरबी में कहते हैं बिस्सा। कुत्ता, कुत्ता को अरबी में कहते हैं कल्ब, कुत्ता, कुत्ता को अरबी में कहते हैं कल्ब। पागल, पागल को अरबी में कहते हैं मजनून, पागल, पागल को अरबी में कहते हैं मजनून। आदमी, आदमी को अरबी में कहते हैं रज्जाल और नफर, रज्जाल और नफर, आदमी को अरबी में कहते हैं रज्जाल और नफर। तो दोस्तों इतना मैंने आपको अरबी का शब्द बताया, अगर आप इसे याद करेंगे तो आप अरबी मिलाकर आराम से बोल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।